Can I topic resume? Yes, sir. तो ये हमारा चैप्टर है बेटा प्रोडक्शन फंक्शन, और ये मेरे पास जो चैप्टर है ये कंबाइंड है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के नोट्स के साथ, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ प्रोडक्शन फंक्शन डन करेंगे। इसमें से शॉर्ट रन का मीनिंग हमें पता है, हमने कॉस्ट वाले चैप्टर में किया था, दैट शॉर्ट रन रेफर्स टू द टाइम पीरियड इन विच देयर आर फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर्स। लॉन्ग रन जिसमें सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, प्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया था, प्रोडक्शन फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल है। फिर इसके बाद टोटल प्रोडक्ट या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट की डेफिनेशन है बेसिक, वो वही है कि जब हम अपने सारे फैक्टर्स को लगा देते हैं तब कैसा बनता है। इसके बाद यहाँ पे स्पेस में इसका कर्व आपने बनाना है जो कि एस शेप्ड होता है बिल्कुल टी आर की तरह। देन एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या है उसका ग्राफ बनेगा इनवर्स यू ए आर की तरह। देन मार्जिनल प्रोडक्ट या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या है उसका ग्राफ बनेगा एम आर की तरह इनवर्स यू बट स्टीपर। फिर रिलेशनशिप बिटवीन एपी और एमपी, स्केड्यूल और ग्राफ हमें आना चाहिए, टीपी एमपी का भी हमें आना चाहिए। एक बार देख लो अगर कोई डाउट आता है किसी पॉइंट में तो एपी एमपी के रिलेशन में। विद रिस्पेक्ट टू मार्जिनल सारी चीजें होंगी क्योंकि हम लोग शॉर्ट रन में पढ़ते हैं, तो व्हेन एमपी ग्रेटर देन एपी, एपी राइज, एमपी इक्वल एपी, एपी मैक्सिमम कॉन्स्टेंट, एमपी लेस देन एपी, एपी फॉल्स। टीपी एमपी के अंदर जब एमपी बढ़ता है तो टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, देन एमपी फॉल्स बट रिमेंस पॉजिटिव, देन टीपी इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, एमपी जीरो टीपी मैक्सिमम, एमपी नेगेटिव टीपी डिक्रीजेस। किसी को कोई डाउट इन रिलेशनशिप्स तक पहले 10 क्वेश्चंस में? अगर नहीं है देन मैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूं जो पेपर में आना ही आना है। इस चैप्टर की वेटेज बेटा 6 मार्क्स की है और इसमें से और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 आएगा। रिलेशनशिप्स जो है, देखो मैंने आप लोगों को बताया था कॉस्ट में से न्यूमेरिकल आता है, रेवेन्यू में से रिलेशनशिप्स आती है। तो जो रेवेन्यू की रिलेशनशिप्स है वो सेम इस चैप्टर की स्टार्टिंग में रिलेशनशिप्स है, तो वो नलीफाई हो जाता है, वो इस चैप्टर में से नहीं आएगा। जो चीज इस चैप्टर से टिल डेट 10 में से 9 पेपर में आपको मिलेगी ही मिलेगी वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। सबसे हमारे में भी हाँ ये आना पेपर में, अगर पेपर हुआ तो बेटा उसमें आया यही होगा और कुछ है ही नहीं जो चीज आ जाए। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को समझने के लिए इसका ग्राफ बनाना जरूरी है। तो इसका ग्राफ एज इट इज है, जो हमने टीपी और एमपी का ग्राफ पढ़ा था, मैं पहले उसका ग्राफ बना देता हूँ। तुम भी अपने पास एक बार टीपीएमपी वाला ग्राफ जो है वो सामने रखो, क्योंकि उसके बिना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को समझना थोड़ा सा दिक्कत में रहेगा। इधर है टीपी, इधर है एमपी, और एक्स एक्सिस पे हम लिखते हैं यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, नीचे भी सेम चीज आ जाएगी, एक्स ओ y o y x। सबसे पहले बनता है mp, then mp जहां मैक्सिमम है और mp जहां जीरो है। Then हम बनाएंगे TP। ये हमने रिलेशनशिप पढ़ा था बेटा TP और MP के अंदर, ऐसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के अंदर इसे फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज कहा जाता है। एक बार हम डिस्कस करते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है क्या।
एल वी पी। इसका एक नाम और होता है विच इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये जो लॉ है बेटा, ये शॉर्ट रन का लॉ है। शॉर्ट रन का मतलब जहां पे फिक्स्ड फैक्टर्स भी होते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स भी होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल इनपुट आर एम्प्लॉयड, कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें से जो भी हमारा वेरिएबल इनपुट है, जब आप उसको बैक टू बैक इंक्रीज करते हो उसकी एम्प्लॉयमेंट को, देन टीपी इनिशियली इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, एंड देन फॉल्स इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल इनपुट आर एम्प्लॉयड कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, एमपी इनिशियली राइज देन फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव एंड देन फाइनली बिकम्स नेगेटिव। सो बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने टीपी और एमपी का जो बिहेवियर है मैंने उसी को एज इट इज लिख दिया बस यहाँ पे, और कुछ नहीं किया। टीपी इनिशियली इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, देन इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, देन फॉल करता है, एमपी इनिशियली बढ़ता है, फॉल करता है, पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव हो जाता है। किसी को कोई डाउट बेटा एलवीपी को समझने में? किसी को कोई डाउट? यस कशिश। फिर कॉस्ट वाले चैप्टर में क्यों नहीं पढ़ा? जब मतलब कॉस्ट वाले चैप्टर में आपने टेस्ट में दिया था ये क्या चीज? तो एक क्वेश्चन था ना, उसमें सबने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का आंसर लिखा था। बाय एसी एंड एमसी कर्व्स आर यू शेप्ड इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। यस सर। तो होता क्या बेटा, ये ना टॉपिक सारे के सारे कनेक्टेड है। अब होता क्या, जब तक आपने एलवीपी नहीं किया तो आपको कॉस्ट का वो वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं हो सकता, ये फैक्ट है। बट इसमें और उसमें तो मेरे को कोई रिलेशन लग रहा ही नहीं। मैं अभी ये अभी मैंने इनफैक्ट प्रूव करके दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों वहां पे हम कहते हैं, उसका क्या रिलेशन है इसके साथ। बट अभी ना एक बार हम इसे जब डेप्थ में करेंगे तब उसके बाद में समझाऊंगा। अभी फिलहाल एलवीपी के अंदर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इसे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्यों कहते हैं, पता है? कोई ट्राई करना चाहे कि इसे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्यों कहा जाता है?
इसका नाम का मतलब समझो बेटा, हमने जब टीपीएमपी का जब रिलेशन पढ़ा था या टीपीएमपी के ग्राफ पढ़े थे तब यही बात हुई थी कि शॉर्ट रन की बात हो रही है जहां पे सारे के सारे फैक्टर्स फिक्स्ड हैं और एक वेरिएबल इनपुट है एंड आउटपुट कैन बी चेंज्ड ओनली बाय एम्प्लॉइंग मोर और लेस यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल इनपुट। याद है ये मैंने कहा था, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में मैंने लिखी थी ये लाइन कि प्रोडक्शन इन शॉर्ट टर्म कैन ओनली बी चेंज बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ या यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट। किसी ने नोट की हो वाली लाइन? अगर नहीं की थी तो ये पता होनी चाहिए। अब शॉर्ट टर्म का अगर लॉ है बेटा, सारे फैक्टर्स अगर फिक्स्ड हैं तो आउटपुट में चेंजेस किसकी वजह से होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर की वजह से, जो कि हम अज्यूम करते हैं लेबर है। तो अगर जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाओगे तो क्या क्या चेंजेस आएंगे टीपी और एमपी के अंदर? सो दैट इज वाई लॉ ऑफ रिटर्न्स का मतलब हो गया आउटपुट कितना आ रहा है हमारे पास टू अ फैक्टर। किसी को कोई डाउट अब इसको समझने में? कोई एक बच्चा रीड कर सकते हैं हमारे लिए क्लास में? खुशी, क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करना है बेटा। मेरा थोड़ा गला दर्द है। कोई इशू नहीं है। आर्यन, अरे बार आप फिर से बोल दो क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे लिए क्लास के लिए। सर आंसर इसका? हाँ, ये मतलब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, नोट्स में से एक बार रीड करके देना है। ओके सर, कर दो बेटा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाइज टू द शॉर्ट रन इन विच ऑल द इनपुट्स आर फिक्स्ड एक्सेप्ट वन वेरिएबल इनपुट से लेबर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल इनपुट इज एम्प्लॉयड कीपिंग अदर फैक्टर्स फिक्स्ड, देन टीपी इनिशियली इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, then increases with a diminishing rate and then finally falls. In terms of MP, LVP states that as more and more units of the variable input is employed keeping other factors constant, then MP initially increases, then decreases but remains positive and then finally becomes negative. It is also known as the law of returns to a factor. एक मिनट सर, इसके आगे भी पढ़। हाँ, अब ये जो चीज है ना बेटा, ये 6 मार्क में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये एग्जांपल देना बहुत जरूरी है। तो ये एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है और इस एग्जांपल के अंदर एक कॉमन एरर जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, टीपीएमपी का स्केड्यूल बना देते हैं। हम क्या करते हैं, वेरिएबल इनपुट रखते हैं, टीपी रखते हैं और एमपी रखते हैं। बट जब आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस बताते हो तो आपको एक फिक्स्ड फैक्टर स्केड्यूल के अंदर रखना जरूरी है। आप वो लैंड रख सकते हो, कैपिटल रख सकते हो, कोई भी चीज रख सकते हो। सो मैं ये रीड करता हूँ। दैट लेट अस टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सपोज अ फार्मर हैज 2 एकर्स ऑफ लैंड दैट इज फिक्स्ड फैक्टर एंड सम यूनिट्स ऑफ लेबर एंड ही वांट्स टू प्रोड्यूस व्हीट। नाउ एज द अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट, ही कैन इंक्रीज और डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ओनली बाय एम्प्लॉइंग मोर और लेस यूनिट्स ऑफ लेबर। व्हेन लेबर यूनिट्स आर एम्प्लॉयड इनिशियली, आउटपुट जो है इंक्रीज करता है। आउटपुट मींस टोटल आउटपुट जो हमारा इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, देन डिमिनिशिंग रेट से और विद फाइनली जैसे जैसे हम फर्दर इंक्रीज करते हैं लेबर को तो आउटपुट जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है। आप चेक कर सकते हो। इनके फेजेस को IRF, DRF और NRF कहा जाता है। अब ये होते क्या है इनको समझ लेते हैं पहले कि IRF का मीनिंग क्या है, DRF का मीनिंग क्या है और NRF का मीनिंग क्या है। जो ये फर्स्ट फेज है इसको नाम दिया गया है IRF। इसकी फुल फॉर्म है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। सेकेंड इज DRF, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर।
NRF नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर. बेसिकली अगर आप एमपी को देखोगे, एमपी इनिशियली इंक्रीज करता है तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर हो गया, देन फॉल करता है बट पॉजिटिव है तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर हो गया, एंड देन नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर हो गया. तो फेज के अंदर भी आपको लिखना जरूरी है कि कौन से फेज तक कौन सा टॉप वो चल रहा है. जैसे जब आप देखोगे कि पहले जो दो आउटपुट हैं उसके अंदर एमपी इंक्रीज कर रहा है और टीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो आईआरएफ के फेज है. देन थर्ड आउटपुट से लेके, या थर्ड जो ये हमारा वेरिएबल वो है फैक्टर, यहां से लेके फिफ्थ तक जब आप देखते हो तो एमपी फॉल कर रहे हैं और टीपी इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट से, तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. देन नेगेटिव फॉल कर रहा है तो नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर. एक्सप्लेनेशन में एज इट इज वही चीजें हैं, एंड देन आईआरएफ डीआरएफ और एनआरएफ को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप रीड कर सकते हो. अगर कोई डाउट आया तो आप पूछ सकते हो. सर कोई डाउट नहीं है. साहिल को नहीं है, कशिश, खुशी, किसी को कोई डाउट हो, पलक, आर्यन, नो सर. ठीक है. अब अगर बात की जाए आप लोगों से कि अगर आपको अटेम्प्ट करना हो तो आप किस फेज में रहना पसंद करोगे, फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में या थर्ड फेज में, सोच के जवाब देना एक एक में जैसे जैसे मैं पूछता जाऊंगा. कशिश, आप फर्स्ट फेज में रहना पसंद करोगे, सेकंड फेज में या थर्ड फेज में? बेटा सभी वाला मुझे ऐसा क्वेश्चन समझ में नहीं आया. अगर आप एक प्रोड्यूसर हो सपोज, तो आप कौन से फेज में ऑपरेट करना पसंद करोगे? आप हमेशा से फर्स्ट फेज तक ही रहना पसंद करोगे, उसके बाद आप लेबर को एम्प्लॉय करना बंद कर दोगे, या सेकंड फेज में रहोगे या थर्ड फेज में? कशिश का आंसर चाहिए मुझे. बताओ कशिश. फर्स्ट फेज. खुशी बेटा आपका? फर्स्ट फेज. पलक? सर सेकंड फेज तक जा सकते हैं. सेकंड, ठीक है. साहिल, तनिष्का, आप लोगों के आंसर है बेटा? सर फर्स्ट. आर्यन फर्स्ट कह रहे हैं. साहिल जी आपका क्या आंसर है? सो सेकंड फेज. दो बच्चों ने अलग आंसर दिया, दे आर साहिल और पलक. ऐसा क्यों? सर क्योंकि अगर सर फर्स्ट फेज में जाएंगे सर वो बढ़ते जाएगा तो सर वो मतलब प्रोडक्शन कम हो ही जाएगी सर कभी ना कभी. नहीं मतलब आपसे पहले क्वेश्चन ये है कि क्या आप सिर्फ 25 यूनिट बना के खुश हो? नो सर. हां जी पलक आप बताओ बेटा. सर नीचे सेकंड फेज तक बढ़ भी तो रहा है 39 टोटल प्रोडक्ट. एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, जिन बच्चों ने भी फर्स्ट फेज बोला है 90% स्टूडेंट्स का आंसर फर्स्ट फेज ही होता है क्योंकि उसमें आईआरएफ है. बट एक चीज बताओ बेटा, आप लोगों को किस चीज से लेना देना है, आउटपुट से लेना देना है या मार्जिनल प्रोडक्ट से लेना देना है कि एडिशनल लेबर आके आपको एक्स्ट्रा यूनिट कितने बना के दे रही है? अगर आप एक भी लेबर ऐड कर रहे हो जो आपको एक यूनिट भी एक्स्ट्रा बना के दे रही है पिछले वालों से, क्या कोई घाटे का सौदा है हमारे लिए? यस सर. कैसे सर? क्योंकि लेबर अपनी वो वेजेस तो उतनी लेगी ना. अच्छा सर, तो अगर वो बाकियों से कम प्रोडक्शन करेगी तो हमारे लिए तो घाटा ही है. अच्छा
बाकियों से कम प्रोडक्शन करे तो हमारे लिए घाटा है। बट एक चीज देखो बेटा कि वो कम प्रोडक्शन क्यों कर रही है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि लैंड देखा जाए तो लिमिटेड नहीं है। अब एक लैंड पे आप लेबर को ऐड करते जाओगे, बट मेन चीज आपको किससे लेना देना, आपको मार्जिनल से है या टोटल आउटपुट से लेना देना है? आप क्या प्रेफर करोगे कि आप 25 यूनिट बना के बैठे रहो या 39 यूनिट तक जाओ? देखो 39 के आगे जाने का तो मतलब है नहीं। देखो पांचवी लेबर के बाद मैं छठी लेबर तो ऐड करूंगा ही नहीं क्योंकि मेरा आउटपुट डिक्रीज होता है। बट क्या मेरे को पांच लेबर बना के, पांच लेबर एम्प्लॉय करके 39 यूनिट्स नहीं बना लेने चाहिए? एक बहुत लॉजिकल सी चीज है कि मैं 22 लेबर लगा के 25 यूनिट बना रहा हूँ, बट अगर मैं थोड़ी लेबर और एम्प्लॉय करूं तो मेरे को 39 यूनिट्स तक बन सकता है। तो क्या मुझे 39 यूनिट्स तक जाना चाहिए या नहीं? यस, जाना चाहिए सर, लेकिन हमने वेरिएबल फैक्टर तो 4 ही रखना चाहिए, 5 तक नहीं जाना चाहिए। देखो 4 और 5 उसमें कोई फर्क नहीं है, मेन है कि क्या आप फर्स्ट फेज में ऑपरेट करना पसंद करोगे या सेकंड फेज में। मेरे को तो फर्स्ट ही लग रहा है। एक चीज हमेशा याद रखो, एक रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा सेकंड फेज में ऑपरेट करता है क्योंकि उसका टीपी जो है मैक्सिमम सेकंड फेज में होता है, और हमें जो है अपने आउटपुट से लेना देना होता है, हमें और किसी चीज से लेना देना नहीं है। जैसे मैं आप लोगों से बात करता हूँ, आप लोग यहाँ पे किस चीज के लिए आए हो? हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं स्किल्स का। तो अगर आपको कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़े तो, और उससे आपके आउटपुट जो है या आपके मार्क्स बढ़ते हो, क्या आप वो करोगे या नहीं करोगे? लॉजिकल सी बात है ना। हम लोग वो लेके आते हैं, क्या कहते हैं उसे, गेस पेपर्स होते हैं, सैंपल पेपर्स होते हैं, क्या फायदा है जब आपने पूरा साल बुक पढ़ी हुई है, ट्यूशंस ली हुई है तो। बट फिर भी हम उठाते हैं, उस टाइम पे कॉस्ट भी देखी जाती है। एक रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करने के पीछे लगा रहता है क्योंकि जितना मैक्सिमम आउटपुट होगा उतना ही मैक्सिमम उसका प्रॉफिट जाएगा। सो एज अ रिजल्ट एक रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा सेकेंड फेज में ही ऑपरेट करना पसंद करेगा जिसमें कि उसका टीपी मैक्सिमम हो। किसी को कोई डाउट अब इस चीज को समझने में? सर तो मतलब वो मतलब सर कम ज्यादा नहीं करता सर, मतलब सर फैक्टर्स सब मतलब वो अपने फैक्टर्स कम या ज्यादा नहीं करता? देखो वो सेकेंड फेज में जब तक है तब तक तो वो अपने आउटपुट को कभी भी ऊपर नीचे कर सकता है, बट इस हिसाब से करेगा कि वो थर्ड फेज में ना आ जाए। बस इसे ना एक बार और समझते हैं। देखो पहली लेबर ने 10 यूनिट बना के दिए, दूसरी लेबर ने 15 यूनिट एक्स्ट्रा बना के दिए, टोटल आउटपुट हो गया 25। तीसरी लेबर आई है, अब वो कह रही है जी मैं 9 यूनिट्स आपको और बना के दे सकती हूँ। एक प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपके पास लैंड लिमिटेड है, ऑब्वियसली जो भी लेबर आएगी एक लिमिट के बाद उसका प्रोडक्शन का लेवल कम होगा, बट क्या वो आपको 9 यूनिट एक्स्ट्रा बना के नहीं दे रही? देखा जाए तो जो आपको मार्केट में सेल करने से एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, आप 25 यूनिट टोटल प्रोड्यूस करने प्रेफर करोगे या 34? बात आती है ये। सर 34 ही। और 34 या 39? सर 39। सो दैट इज व्हाई एक रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा सेकंड फेज में ही ऑपरेट करता है। कशिश, खुशी और तनिष्का, आर्यन, आप लोगों को कोई डाउट बेटा इस चीज को समझने में? नो सर, होगा क्लियर। ये आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस था। अब बात आती है कि इसका कॉस्ट वाले चैप्टर से क्या लेना देना है। जो कशिश का क्वेश्चन था काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कशिश बेटा, अमंगस्ट ऑल द कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट कौन सी है जो बाकी की कॉस्ट डिटरमाइन करती है? ये वाली चीज वैसे मैंने आप लोगों को बताई थी। एक ऐसी कॉस्ट बताओ which it determines all the other shapes या all the other shapes of other cost या shapes of other cost जो हैं वो determine करती है। ऐसी कौन सी cost है? SMC। हाँ जी, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी मैं schedule बनाता हूँ मेरे दिमाग में हमेशा marginal cost होता है। marginal cost की tendency क्या होती है? सर आपने ये भी तो कहा था कि सबसे पहले MC बनानी होती है। हाँ, मैंने वो इसलिए कहा था क्योंकि अगर आपने मार्जिनल कॉस्ट अपने दिमाग में बना लिया तो आप बाकी की सारी कॉस्ट अपने आप बना सकते हो। अब मार्जिनल कॉस्ट की टेंडेंसी होती है कि वो इनिशियली फॉल करता है एंड देन राइज करता है। यही थी टेंडेंसी। किसी को कोई डाउट मार्जिनल कॉस्ट की टेंडेंसी में?
मीटअप क्लास में ना बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि हम रिलेशन पढ़ रहे हैं दो चैप्टर्स के बीच में. नो सर. कशिश आपको बेटा? नो सर. अब कशिश हमें आंसर करेगी. जो हमने अभी स्केड्यूल पढ़ा था बेटा उसमें 10 यूनिट्स बनाने की कॉस्ट ज्यादा आ रही थी हमें या 25 यूनिट बनाने की कॉस्ट ज्यादा आ रही थी? यहां पे आप सोच के जवाब देना. टीपी 10 यूनिट्स बनाने की कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगी या 25 की एक्स्ट्रा आएगी? सोचना कैसे है मैं समझा देता हूं. सपोज हर लेबर को आप 100 रुपए देते हैं. पहली लेबर आपको 10 यूनिट बना के दे रही है, दूसरी 15 एक्स्ट्रा बना के दे रही है, तो मतलब टोटल 25 करके दे रही है. तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है देखा जाए तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इसको ध्यान में देते हुए. इंक्रीज हो रही है. एक लेबर ने आपको 10 यूनिट बना के दिए, समझो इस चीज को. अगर मैं कहूं कि मेरे पास 10 यूनिट्स की कॉस्ट जो है, 10 यूनिट्स की कॉस्ट मेरे पास 100 रुपीज है और 25 यूनिट की कॉस्ट मेरे पास 200 रुपए है, तो देखा जाए तो जो अगले 15 यूनिट्स हैं वो मेरे 100 रुपए में बने हैं. मेरी जो एडिशन आया है टोटल आउटपुट के अंदर और टोटल कॉस्ट में, वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? डिक्रीज. किसी को अगर इस चीज को समझने में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो बेटा. बहुत सिंपल सी चीज है. 10 यूनिट 100 रुपए में बनते हैं, उसके बाद अगले 15 यूनिट भी 100 रुपए में बनते हैं, तो देखा जाए तो मेरे को अगले 15 यूनिट्स बनाने में मेरी कॉस्ट बड़ी है एडिशनल कॉस्ट या कम हुई है? देखा जाए तो सर कम हुई है. सर कम हुई है. हाँ, एमपी इनिशियली बढ़ने का मतलब है कि एमसी इनिशियली डिक्रीज करेगा, एंड देन एमपी फॉल करने का मतलब है कि एमसी राइज करने लग जाएगा. क्लियर हुआ कि एमसी यू शेप होता है, इसकी वजह से ये स्लोप होता है टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, तो उसकी वजह से एसी और एवीसी अपने आप यू शेप कैसे आ जाते हैं? किसी को कोई डाउट समझने में कि एलवीपी का रिलेशन कॉस्ट के साथ कैसे है? कशिश बेटा आपको? नो सर. अभी समझ में आ गई ये वाली चीज? हाँ जी. खुशी, पलक, साहिल, तनिष्का, आर्यन, किसी को कोई डाउट? नो सर. नो सर. ठीक है. हाँ जी. नो सर. ठीक है. अब यहाँ पे हमने अपना ग्राफ बनाना है. आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा. इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है, दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है. अगर आपने सीखना है तो मैं समझा सकता हूँ. ये लॉन्ग रन का लॉ होता है. चलो इसे भी सीखते हैं, बट उससे पहले ना हम एक चीज और सीखते हैं. सर लेकिन उसमें सर वो सर जो क्वेश्चन था सर वो पिछले चैप्टर के नोट्स में सर उसमें तो था ही. वो लॉन्ग रन वाले के अंदर ही था और लॉन्ग रन मैंने कहा है आप लोगों के सिलेबस में है ही नहीं. ओके सर. हम समझेंगे. बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है. पहले हम बात करते हैं कि बुक के अंदर एक लॉ और दिया हुआ है, विच इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है बेटा, ये एक सब पार्ट या सब सेट है ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. एलवीपी के अंदर कितने फेजेस थे टोटल? तीन फेजेस थे, जिसके अंदर एमपी इनिशियली बढ़ता है, टीपी इनिशियली इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, देन एमपी फॉल करता है, टीपी इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, एंड एमपी नेगेटिव, टीपी फॉल करता है. बट जब आप यहां से देखते हो सर, बेसिकली जो सेकंड और थर्ड फेज है इनको कंबाइन करके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोला जाता है.
क्योंकि इन सब में जो है एमपी फॉल कर रहा है। तो जब आप बुक में देखोगे तो एक ये टॉपिक होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, उसके अंदर सेकेंड और थर्ड फेज जो है एलवीपी का एक्सप्लेन होगा और उसका ग्राफ जो है नॉर्मल वैसे ही होगा जैसे अभी तक हमने देखे हैं। बेसिकली वो टोटल यूटिलिटी वाला बन जाएगा टीपी का और एमपी जो है वो सीधा सीधा फॉल करता जा रहा है। आप लोग बुक में से रीडिंग कर सकते हो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की, अगर किसी को कोई डाउट आए तो पूछ लेना। जहां पे एलवीपी गिवन है उसके नेक्स्ट पेज पे होगा, जहां पे एलवीपी कंप्लीट हो रहा है उसके बाद। या मैं आगे बढ़ सकता हूँ सर, ये बुक से पढ़ना है हमें? हाँ, ये बुक में से ही रीड करना है, कुछ है नहीं, सेकंड और थर्ड फेज है। अगर रीड करना है तो मैं रुक जाता हूँ, अदरवाइज मैं आगे बढ़ के लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कंप्लीट करवाऊँ। सर आगे का ही बता दूँ? रीड कर लो, छोड़ो, 5 मिनट लगेंगे, हम लोग रीड कर लेते हैं, उसके बाद लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल समझते हैं।